चारों पहिए अलॉय व्हील है और पांचवा टायर नॉर्मल रिम है। कार ओपन है, रिमोट रेंज में है, तो डिक्की आप ओपन कर सकते हैं। जस्ट होमेट बटन को जस्ट पुश कीजिए। अभी कार ओपन है रिमोट रेंज में, पार्सल ट्रे आप ऊपर हैंग करके रख सकते हैं, पीछे का सीट रिफोल्ड कर सकते हैं, पीछे का जो नॉब है उसे उठा के। ओके, यहाँ पे हुक दिए हुए हैं, इसमें बैग वगैरह लटका सकते हैं जिसका कैपेसिटी 3-3 kg है। इमरजेंसी ट्रायंगल, स्पेयर व्हील टूल किट, जैक जैकलीवर टो हुक व्हील बना, सारी चीजें हैं। ओके, और ये छोटा स्पैनर है। ये जो बटन है सर्टन डिस्टेंस से दिखी ओपन, आपका पूरा फैमिली आप बाहर से किधर से तो आ गए, गाड़ी से सब सामान निकाल के लेके गए, कुछ तो भी सामान आपका डिक्की में बच गया, मेरे जैसा कोई है गाड़ी के आजू बाजू में, तो आप लंबे से क्या बताएंगे ऊपर से लंबे से कि भाई डिक्की खोल के मेरा सामान निकालिए। वो टाइम में वो बटन पुश करना है और वो जो पर्सन रहेगा गाड़ी के पास उसे ये पुश करके ही ओपन कर रहा है, मतलब सिर्फ डिक्की ओपन हो जाएगी वो टाइम में। और उसके बाद डिक्की बंद कर सामान निकाल के, डिक्की बंद करने के बाद पूरा गाड़ी लॉक करना है, नहीं तो डिक्की ओपन नहीं होगी। पेट्रोल का फ्लैग हम लोग ने आगे से ओपन किया, पंप तो मैन्युअली करना है। इसमें अभी 1-2 लीटर पेट्रोल है, अभी 3 लीटर और डालेंगे तो 4-5 लीटर रहेगा। फिर भी गाड़ी बाहर निकालने के बाद आपका पहला काम है फ्यूल डलवा दीजिए। अगेन चाइल्ड लॉक, बैग वगैरह लटका सकते हैं, साइड में कोई बैठेगा उनका, लेडीज है वगैरह, उनका छोटा वाला पर्स। वापस उसको बंद कैसे करना है? ऊपर पुश करना है। अच्छा, पुश करना है। हाँ, या ओपन करते करने के लिए बटन को पुश करना है। इसमें ज़्यादा सामान है, ये पैड निकाल सकते हैं। ये ग्लो बॉक्स विद चिलर बॉक्स है, एसी चालू रहेगा तो एसी का ठंडा हुआ इसमें आ जाएगा और ठंडा चीज़ ठंडा रहेगा, गर्म चीज़ ठंडा नहीं होगा। चारों डोर्स में पानी का बोतल रख सकते हैं। आगे वाले दोनों डोर्स में अम्ब्रेला होल्डर, 3 फोल्ड वाली अम्ब्रेला और फोल्ड कीजिए और उसमें घुसा दीजिए। ओके, अंदर से बोनेट ओपन करने के बाद सिग्नल लॉक ओपन हो जाएगा। उसके बाद में ये लीवर को, यहाँ पे एक लीवर है, स्लाइड करके बोनेट उठाइए, हल्का इसको पुश करके हल्का इसको। ये स्टेयर और को साइड से निकाल के ये स्क्वायर होल में होल्ड कर दीजिए। यहाँ पे इंजन ऑयल चेकिंग डिपस्टिक महीने में एक और दूसरे बार चेक कीजिए। ये ब्रेक ऑयल, ABS यूनिट, एयर फिल्टर, रेडिएटर कूलेंट, बैटरी और वाइपर का पानी। इसमें वाइपर का पानी इस तरफ, यस। बोनेट ओपन करने के बाद कभी भी ये पोर्शन को हाथ लगाना नहीं है, इंजन में सबसे गर्म पार्ट ये है। ओके, बंद कर दो बोनेट। बोनेट बंद करते समय ये लोड कौन, बैटरी नंबर वेरीफाई करवा देते अगर करना है। नंबर का ये कुछ नहीं है, अब वेरीफाई करना है आपको 6 नंबर वेरीफाई, वो तो करना ही है। इंजन नंबर भी वेरीफाई कर लेते हैं ना, ये इंजन नंबर है और यहाँ भी एक अंदर एक प्लेट दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है? किधर, अंदर की तरफ। अच्छा, अच्छा, है देखिए, ये ब्लैक वाला पट्टी है ना। हाँ, इंजन नंबर। ओके, और चेसी नंबर डोर के पिलर पे। अब बैंक में अगर एप्लीकेशन रहेगा, लोन रहेगा, तो बैंक को गाड़ी का चेसी नंबर दिखाना होता है, तो वो नंबर देखते हैं, इंजन नंबर वगैरह नहीं देखते। वो एप्लीकेशन हटाने के टाइम पे नहीं, बैंक में गाड़ी दिखाना पड़ता है। अच्छा, ओनर के साथ जाके वो फोटो वगैरह नहीं देखते। बंद करते समय 4 चेन से तोड़ दीजिए, इसे प्रेस करना नहीं पड़ता। विंडो स्विचेस, चाइल्ड लॉक, मिरर एडजस्टमेंट जॉयस्टिक, बैक रेस्ट, हाइट एडजस्टमेंट, आगे सीट स्लाइडिंग लीवर, आपका स्टीयरिंग भी टिल टाइप है, सेंटर में जो लीवर है उसे अंगूठा लगा के नीचे खींचना है जोर लगा के, और स्टीयरिंग अप या डाउन कर सकते हैं, सेंटर नीचे करना है। अभी से और इसे याद से लॉक कर दीजिए।
बंद गाड़ी में एक लाइट ब्लिंक कर रही है, इमोबिलाइज लाइट है, इसका मतलब आपका गाड़ी, आपका इंजन सेफ है, सुरक्षित है। ये गाड़ी आप ही का रिमोट जब गाड़ी में रहेगा तो चालू होगा, वरना नहीं होगा। कोई भी पेडल मत दबाइए और ये स्टार्ट बटन को 1 और 2 पुश कीजिए और मीटर में देखिए। और एक बार देखिए क्या हो गया, दोनों साइड के लाइट पूरे जल गए और बुझ गए, बीच में स्पीडोमीटर फुल स्पीड में आया और जीरो पे। सर आपने वापिस ऑफ कर दिया उसे। जीरो हो गया। यहाँ पे फ्यूल गेज ब्लिंक कर रहा है यार, रिफिल लिख के आया है, यानी फ्यूल डालने का जरूरत है भैया आपको। ऊपर कार एरो और पेट्रोल पंप डिस्टेंस टू एम्प्टी अवेलेबल फ्यूल में और कितना चलेगा ये रिफिल लिखा है, वहाँ पे डिजिटली नंबर आ जाएगा। जब अच्छा खासा फ्यूल आप गाड़ी में डालेंगे और गाड़ी रस्ते पे रन करेंगे तभी आपका ड्राइविंग सेंस हो जाएगा और वो हिसाब से बताएगा, और ये अप्रॉक्स रहेगा, प्लस माइनस रहेगा। क्योंकि यहाँ पे ओडोमीटर रीडिंग अभी तक गाड़ी इतना चला हुआ है। बैटरी लाइट, ऑयल लाइट, चेक इंजन, माल फंक्शन लाइट, गाड़ी का टाइम है, ड्राइवर सीट बेल्ट लाइट, को ड्राइवर सीट बेल्ट लाइट, ओके। ये टायर का प्रेशर बता रहा है आपके गाड़ी का, हैंड ब्रेक लाइट, टायर का प्रेशर कितना है, 30 30 इतना होना चाहिए इस पे टायर पे। यहाँ पे लिखा हुआ है कितना लिखा है, 30 30 30 30। आप पंप पे जाएंगे तो फिल कर दीजिए, ओके। ये हैंड ब्रेक लाइट, ये ग्रीन हेडलाइट जो है, DRL लाइट, डे टाइम रनिंग लाइट, वो डिफॉल्टली चालू हो जाती है, उसे बंद करने के लिए ऑफ से पार्किंग तक पार्किंग ऑफ कीजिए। ऑफ पे रखना है, बंद हो गई, चालू करने के लिए सेम पार्किंग ऑफ, पार्किंग ऑफ ऑफ सर, पार्किंग ऑफ, आ गई, पार्किंग ऑफ, पार्किंग ऑफ, बंद हो गई, पार्किंग ऑफ, पार्किंग ऑफ, चालू हो गई, ओके। और ये शू का सिंबल बता रहा है कि इंजन चालू करने के लिए कंपलसरी क्लच दबाइए, बिना क्लच दबाए गाड़ी चालू ही नहीं होगी, ओके। ये हेडलाइट लीवर है, स्प्रिंकलर और वाइपर लीवर है, रेगुलर कार जैसे ही है, अपनी तरफ पुल करते हैं, ओवरटेक लाइट, पासिंग लाइट, ऊपर नीचे साइड इंडिकेटर, और इसमें एक इमरजेंसी साइड इंडिकेटर दिया है, हाईवे पे वगैरह ओवरटेक करते समय आप यूज कर सकते हैं। इसे थोड़ा सा पुश करके छोड़ेंगे तो 6 बार ब्लिंक करेगा और कट हो जाएगा, ओके। अच्छा, इसे थोड़ा सा घुमाते हैं, पार्किंग, लो बीम, डिपर, हाई बीम, अपर, ओके। और इसमें हेडलाइट ऑटोमेटिक दिया हुआ है, इसमें आप अगर रखते हैं तो जैसे ही अंधेरा सेंस हो जाएगा हेडलाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी। ये 0123 जो है हेडलाइट लेवलर स्विच है, ये सिर्फ लो बम में काम करेगी, हाई बीम के लिए दिया ही नहीं है, ओके। इस स्प्रिंकलर वाटर वाइपर लीवर है, अपनी तरफ पुल करते हैं, पानी उड़ेगा और वाइपर चालू हो जाएगा, और सिर्फ वाइपर के लिए पूरा लीवर ऑपरेट करना है। इसमें भी देखिए एक ऐटो, फर्स्ट स्पीड, सेकंड स्पीड, ऐटो में रखते हैं तो एक बार आके जाएगा, बाद में अभी पानी सेंस करेगा, रेन सेंस करेगा तो ही वो ऑटोमेटिक होगा। ऑटोमेटिक कहाँ पे है इसका फिक्स? ये देखिए ऐटो, ऑफ से थोड़ा सा ऊपर लिया मैं। अच्छा, ये ऑफ है, ये ऐटो है, ऐटो में एक बार आएगा, अभी रेन सेंस होगा और ही तभी चालू होगा। और ऊपर फर्स्ट स्पीड, सेकंड स्पीड, और इसे ड्राई ग्लास में कभी ऑपरेट करना नहीं है, और नीचे दबा के छोड़ेंगे तो एक बार आके जाएगा। और आपके गाड़ी में पीछे भी वाइपर दिया हुआ है, उसे ऑपरेट करने के लिए कैप को ऑपरेट करना है। एरो के सामने फुल स्टॉप है, एरो के सामने ये सिंबल लाइए, ऊपर उल्टा घुमा के, उल्टा उल्टा उल्टा, और मिरर में देखिए पानी उड़ेगा और वाइपर चालू हो जाएगा, और सिर्फ वाइपर के लिए नीचे का सिंबल एरो के सामने लाना है, ओके। और नीचे अगेन वाइपर और पानी, नीचे एकदम नीचे वाइपर और पानी, अगेन फुल स्टॉप कीजिए, अभी फुल स्टॉप, यस। आपके गाड़ी में क्रूज कंट्रोल दिया हुआ है, क्रूज कंट्रोल सेट करने के लिए गाड़ी थर्ड गियर के ऊपर चाहिए, थर्ड गियर में 30 के ऊपर चाहिए स्पीड, फोर्थ में 40 के ऊपर और फिफ्थ में 50 के ऊपर चाहिए। वो स्पीड में आप लॉन्ग रूट पे, एक्सप्रेस हाईवे, पाम बीच या लॉन्ग रूट पे आप चल रहे हैं और आपको क्रूज सेट करना है, तो कंटिन्यू वो स्पीड में चलते समय क्या करना है, पहले ये बटन दबा के छोड़ना है, क्रूज का सिंबल आ जाएगा, उसके बाद में कहाँ सिंबल है, सिंबल रनिंग कार में आप ये कर सकते हैं, उसके बाद में इंजन स्टार्ट करने पे भी ये बटन, इंजन स्टार्ट करने पे वो सही ना आएगा, रनिंग कार में आ जाएगा सर, रनिंग कार में इंजन चालू ही रहेगा ना सर। नहीं नहीं, मैं अभी बोल रहा हूँ, सपोज अभी रनिंग नहीं है, जस्ट स्टार्ट करके वो सिंबल दिखाएगा, नहीं दिखाएगा, रनिंग होना चाहिए कार, ओके। उसके बाद में वो स्पीड में कंटिन्यू चलते समय ये बटन को
5 से 10 सेकंड पकड़ के रखिए, क्रूज सेट हो जाएगा, सारे पेडल छोड़ दीजिए, खाली स्टीयरिंग पकड़िए, वो स्पीड में भागते जाएगी। अभी वो स्पीड आपको कम लग रहा है तो प्लस का सिंबल दबाते जाएंगे, दो दो किलोमीटर बढ़ते जाएगा, माइनस का सिंबल दबाएंगे तो दो दो किलोमीटर कम होते जाएगा, और ये क्रूज कैंसिल के लिए और क्रूज ऑफ के लिए। ओके, क्रूज ऑन करने के लिए पहले इसको दबाना है या हाँ, उसके बाद लॉक किससे करना है? इससे बीच वाले 10 यस 10 इससे नहीं नहीं ये इससे, अच्छा इससे लॉक कर देना है। यस ओके, फिर प्लस और माइनस दो दो किलोमीटर होता रहेगा ऑफ करने के लिए, ये सिंगल प्रेस है ना, क्रूज कैंसिल और क्रूज ऑफ। अच्छा क्रूज कैंसिल क्रूज ऑफ, ओके सिंगल प्रेस है ना। क्रूज से फायदा क्या होता है? किससे क्रूज कंट्रोल? क्रूज सर आप लॉन्ग रूट पे मुंबई पुणे वगैरह जा रहे हैं तो बार बार आप एक्सेलरेटर देते हैं, ब्रेक दबाते हैं, पैडल छोड़ सकते हैं, पैडल सारे छोड़ दीजिए, खाली स्टीयरिंग पकड़ते रहिए, पकड़ के रखिए, वो एक स्पीड सेट कर दिया, स्पीड पे दौड़ती रहिए। हाँ, और ये क्रूज सेट करने के बाद बीच में कुछ दिक्कत आती है, कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप अगर ब्रेक दबाते हैं तो क्रूज कैंसिल हो जाएगा, गाड़ी आपके कंट्रोल में आ जाएगी। ओके, अच्छा ये करने की जरूरत नहीं, ब्रेक अगर मैं दबाऊंगा तो एक बार टच किया क्रूज कैंसिल। ओके क्रूज कैंसिल हो गया। ओके सर ये क्या? ये डमी है, कुछ भी नहीं, रेड सिंबल वाला बटन जो है, हैजर्ड लाइट, पार्किंग लाइट, चारों बाजू के साइड इंडिकेटर लाइट ब्लिंक हो जाएगी। म्यूजिक सिस्टम ऑन ऑफ करने के लिए ये जो राउंड बटन है लेफ्ट का, वो ऑन ऑफ स्विच है, और वॉल्यूम बटन है, उसे शॉर्ट प्रेस ऑन, शॉर्ट प्रेस म्यूट, लॉन्ग प्रेस ऑफ। ओके ओके, और ये राइट साइड का राउंड बटन है और स्क्रोल बटन फंक्शन ऑफ के बटन है, को थोड़ा आगे पीछे कर सकते। दूसरा आपको खरपतवार नियंत्रण पर, इस सिस्टम को रिमोट नहीं है, आप मैन्युअली ऑपरेट कर सकते हैं, टच स्क्रीन से ऑपरेट कर सकते हैं, स्टीयरिंग से कर सकते हैं। स्टीयरिंग से देखिए ऊपर नीचे प्लस माइनस है, आवाज कम ज्यादा कर सकते हैं, साइड में जो एरो है उससे स्टेशन चेंज कर सकते हैं आप। ओके और बीच में सेंटर में जो स्क्वायर बटन है उसे सोर्स चेंज कर सकते हैं, FM से AM पे आ जाएगा, अगर पेनड्राइव लगाते हैं उस पर जाएगा, ब्लूटूथ मोबाइल कनेक्ट करते हैं उस पर जाएगा। ओके और ऊपर नीचे जो बटन है फोन उठाने के लिए, वॉइस कमांड के लिए, अच्छा वॉइस कमांड भी काम करता है। यस, और नीचे का फोन कट करने के लिए या म्यूट के लिए आप सेटिंग का सिंबल टच कीजिए। यस, ऊपर सेटिंग के पैरामीटर है, उसके नीचे लाइन जो है वो ब्राइटनेस कम ज्यादा, नहीं यस वो ब्राइटनेस कम ज्यादा, हाँ, और ऊपर म्यूट, अगेन म्यूट, और उसके नीचे हाँ, उसके नीचे स्क्रीन ऑफ, और ये उल्टा पुल्टा एरो जो है वो स्टेशन अप डाउन। अच्छा स्टेशन, ये नीचे वाले ट्रायंगल को टच कीजिए, ये बैक टू होम सिंबल, उसके ऊपर जो है हाँ सोर्स चेंज, सेम सोर्स चेंज। ओके ओके ओके, उसके ऊपर पी को टच कीजिए सर, पार्क असिस्ट, पीछे कैमरा डायरेक्ट ऑन हो गया, कैंसिल कीजिए। रनिंग कार में इसे टच करते हैं तो भागती हुई गाड़ियां दिखाई देगी, और रिवर्स डालेंगे तो भी कैमरा ऑन हो जाएगा। नेविगेशन के लिए आपके पास एंड्रॉइड फोन है, एप्पल फोन है, दोनों है। और अगर एंड्रॉइड फोन यूज करना है तो आपको मोबाइल में एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद में मोबाइल का ओरिजिनल केबल मोबाइल को कनेक्ट कीजिए और सामने पेनड्राइव स्लॉट में इंसर्ट कीजिए। तो ये एंड्रॉइड ये नीचे वाले ओके। तो सामने एंड्रॉइड ऑटो जो हाइड हुआ है वो ब्राइट हो जाएगा, उसे टच कीजिए, नेविगेशन चालू हो जाएगा। और एप्पल के लिए कौन सा भी ऐप डाउनलोड करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप कनेक्ट कर सकते हैं और एप्पल कारप्ले चालू हो जाएगा। ओके, और ब्लूटूथ कनेक्ट करना है मोबाइल का तो फोन सेटअप से अंदर जाके पेयर करना है, और ब्लूटूथ से आप सिर्फ फोन उठा सकते हैं, ले सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, नेविगेशन नहीं। और नेविगेशन के लिए डाटा आपके मोबाइल का यूज हो जाएगा, उसका खुद का मेमोरी नहीं है। ओके सर, थोड़ा आवाज कीजिए, आवाज ये ऊपर का बटन दबा दीजिए, वॉइस कमांड ट्यून टू 92.7। मगर आपके मोबाइल में चार XYZ है तो आपको बताएगा, चारों दिखाएगा, उसमें टच कीजिए या बोलिए फर्स्ट सेकंड थर्ड लास्ट तो भी जाएगा। ओके सर, ओके ये नीचे वाली पट्टी जो है
हाँ उसमें ब्लैंक बटन जो है डमी है, कुछ भी नहीं है ये वाले। हाँ थर्ड वाला बटन जो है फ्रंट फोग लाइट। अच्छा, इसके लिए पार्किंग या हेडलाइट चालू चाहिए कंपलसरी, तो ही चालू हो जाएगा। जो है कार लॉक अनलॉक बटन है और लास्ट वाला बटन जो है डिकी ओपन। क्लच दबाइए, न्यूट्रल कीजिए, एसी ऑन कीजिए सर। के लिए जस्ट एसी पुश करना है। ये लॉक क्यों है सर? यहाँ पे चाइल्ड लॉक है, तो छोटा वाला बटन है ना उसे प्रेस करके छोड़िए, बस अभी देखिए। ओके ओके, चाइल्ड लॉक। ओके हाँ, अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया उसका मैं बाद में बताता हूँ, तो अभी एक्सप्रेस कुल को प्रेस कीजिए। क्या हो गया? फैन का जो फैन फ्लोर का स्पीड बढ़ गया और आपके साइड का ग्लास नीचे आ गया। ओके, यानी कि अभी गर्मी में गाड़ी खड़ी है, अंदर की हवा पूरा गर्म हुआ है, आपको जल्दी गर्म करना चाहिए, तो एक्सप्रेस कूल दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, फ्लोर का स्पीड बढ़ जाएगा, ग्लास नीचे आएगा और अंदर का गर्म हवा बाहर जाने के लिए हेल्प करेगा और अभी ठंडा हवा जल्दी आ गया। अभी एक्सप्रेस कूल बंद कीजिए और ग्लास खोल दीजिए। ये बटन को रोटेट करते हो तो फैन लोअर स्पीड और इसे रोटेट करते हो तो टेम्परेचर सेटिंग। ओके, और ऊपर ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, नीचे एसी ऑफ। ओके, और दोनों राउंड बटन के बीच में वाले बटन जो है, पहला वाला बटन जो है फ्रंट डिफ्रॉस्ट, बारिश के सीजन में आगे वाले ग्लास पे मॉइस्चर जमा हो जाता है, तभी उसे आगे से हवा जाएगा, ग्लास को क्लीन करेगा। और आपको सेकंड वाला जो बटन है रियर डिमिस्टर, पीछे वाले ग्लास पे जो लाइन दिखाई है वो कॉइल है। ओके, पीछे वाले ग्लास पे मॉइस्चर जमा हो जाएगा तो उसे ऑन कीजिए, वो कॉइल गर्म हो जाएगी और ग्लास क्लीन हो जाएगी, उसके बाद उसे ऑफ करना है। थर्ड वाला बटन जो है इंटरनल एक्सटर्नल, एसी चालू करने के बाद सामने से हवा लेते समय हमेशा उसे ऑन रखिए। ओके, और लास्ट वाला बटन जो है डायरेक्शन, आपको हवा कहाँ से चाहिए, फ्रंट फ्रंट एंड बॉटम, बॉटम बॉटम एंड ऑफ। ओके सब, बस हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा, और वो सामने से करते समय उसे भी ऑन रखिए सर। टेम्परेचर 20, सेटिंग टेम्परेचर 20 चेंज हो रहा है। आराम से बोलने से, आराम से बोलिए सर, ऐसा आप बोलिए ना। 18 तक ही है डिफॉल्टली, गाड़ी आपकी सिटी मोड में चलती है, आगे सिटी मोड लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है जो वहाँ पे जीरो के ऊपर। हाँ, जब टॉप ऑफ गियर में रहती है, टॉप ऑफ स्पीड में गाड़ी चलती है, तो चालू गाड़ी में ये सिटी सर, सिटी ब्लू कलर में जो वहाँ पे जो सिटी लिखी है ना ब्लू कलर में, इसे थोड़ा सा घुमाइए, इको मोड में चली जाएगी, फ्यूल कंजम्पशन परफेक्ट होते जाएगा, गाड़ी आपका एवरेज भी देगा। ओके, आपको टच एक्सपीरियंस करना है, गाड़ी भगाना है, किसी को ओवरटेक करना है, तो और घुमाइए। स्पोर्ट्स ड्राइव में जाएगी, फ्यूल कंजम्पशन बढ़ जाएगा, गाड़ी आपका एवरेज मार खाएगा, अगर आपको थर्च मिलेगा गाड़ी भागेगी अच्छी खासी। ओके, सिटी में घुमाना है, ये बटन उल्टा पुल्टा कैसा भी घूमते जाएगा। ओके, एक स्टॉपर नहीं है। ओके सर, यहाँ पे यूटिलिटी स्पेस, यहाँ पे ग्लास होल्डर, अभी देखिए। अच्छा, ग्लास होल्डर वगैरह है। रूफ ओपन करने के लिए ये देखिए ओपन, इसे जस्ट टच करके छोड़ेंगे तो पूरा ओपन हो जाएगा, सेंटर का जो है क्लोज ग्लास आ जाएगा और कर्टन हाफ आएगा। अभी इसे मैंने नहीं करना है, और ये ग्लास हाफ ओपन थोड़ा सा। ओके, और ये अगेन क्लोज, और इसे ओपन करते समय अगर पकड़ के रखेंगे और जहाँ छोड़ेंगे वही रुकेगा, जहाँ छोड़ेंगे वही रुकेगा, या पूरा जाएगा। ओके, देखिए पकड़ के छोड़ेंगे वही इधर रुकेगा, पूरा आया।
हिसाब से मैन्युअली आगे लेना है। और अगर आपके घर में बच्चे हैं ऊपर खड़े वगैरह रहते हैं तो आपके निगरानी में ही उन्हें ये कर दीजिए, ओके। और ये कर्टन वगैरह खींचना, ग्लास को खींचना ऐसा मत होने दीजिए, क्योंकि ये क्रिटिकल मैकेनिज्म है और कॉस्टली भी रहेगा, ओके। तो संभाल के जो कुछ रहेगा, ठीक है सर। टिकट कितने? 4।